हाय एवरीवन, दिस इज अमन तिलक फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली। आज की वीडियो में आपके लिए जीता जागता इंस्पिरेशन आपके सामने है, अल्पना कुमारी। बहुत लोग आप में से जान भी रहे होंगे। शी गेव हर फर्स्ट अटेम्प्ट इन नीट 2016 एंड शी स्कोर्ड 380 मार्क्स। नीट 2020 में आफ्टर हर फिफ्थ अटेम्प्ट हर स्कोर वॉज 690+। जानते हैं दोस्तों कैसे ये जर्नी अल्पना ने कवर की। बहुत डेफिनेटली ऑब्स्टेकल्स आए होंगे, लेकिन अल्पना से खुद पूछते हैं। अल्पना, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड वेयर आर यू फ्रॉम। माय नेम इज अल्पना कुमारी, आई एम फ्रॉम इटावा, यूपी। सो मेरा जर्नी ये कि मैंने स्टार्टिंग मतलब 12th मैंने 2015 में किया, और नहीं मतलब 15 में विलेज से, और कोई सपोर्ट नहीं, सोर्सेज नहीं, कुछ नहीं, कुछ आइडिया भी नहीं था कि आगे क्या करना है। तो फिर यूं ही मतलब फैमिली में एक जगी लोगों की आस की, मतलब 12th में मार्क्स अच्छे आए हैं तो क्या हम स्टेट बोर्ड स्टेट पीएमटी के एग्जाम के लिए क्या हम कर सकते हैं कि नहीं, प्रिपेयर करवा सकते हैं। यूपी सीपीएमटी बहुत फेमस है, आई एम आल्सो फ्रॉम यूपी। हां, एट दैट टाइम सीपीएमटी वाज मतलब फेमस फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स इन मेडिकल। तो यही सोचा था कि सीपीएमटी इनफ है मेरे लिए, क्योंकि मैं यूपी मतलब बोर्ड स्टेट बोर्ड से थी, सीबीएसई बोर्ड, इंग्लिश मीडियम ऐसा कुछ नहीं, तो हिंदी मीडियम और स्टेट बोर्ड से होने के बाद एआईपीएमटी तो मुझे तो उसके बाहर लग रहा था, कैपेसिटी के बाहर है, तो ये तो मैं नहीं दे पाऊंगी, तो एनसीईआरटी से उठाते थे। और मेरा तो ये था कि सीपीएमटी के मैंने मॉडल्स देखे थे, तो मुझे लग रहा था कि हाँ आई कैन डू दिस, आई कैन सॉल्व दिस। एंड यू आर फ्रॉम यूपी बोर्ड? या आई वाज फ्रॉम यूपी बोर्ड एंड हिंदी मीडियम। ओके, दीस टू थिंग्स व्हिच वर कॉम्प्लिकेशंस इन माय होल जर्नी, बट आई ट्राइड एंड सॉल्वड आउट दीस टू थिंग्स। तो 15 में 12th पास किया, एंड देन 16 में मैंने मतलब 15 में मैंने पेपर ही नहीं दिया नीट का, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि 15 में भी दे लेते हैं तो एक्सपीरियंस हो जाएगा, कुछ भी आइडिया नहीं था। ये सोचा एक इसमें मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा दोस्तों, यूपी साइड, पटना साइड, बिहार साइड पूरा एक ट्रेंड है कि 12th में आप केवल 12th पढ़ो, बोर्ड्स निकालो, और जबकि यूपी बोर्ड्स और ऐसा मतलब बोर्ड्स है, इट्स डिफिकल्ट, फाइन। सो वो सोचते हैं कि भाई वहां पर एक ट्रेंड ही है, मतलब आप हर किसी को देखोगे, इवन मेरे फैमिली में बहुत लोग हैं, 2-3 साल ड्रॉप करके, इट्स वेरी वेरी नॉर्मल। मतलब कानपुर में जहाँ मैंने प्रिपरेशन की, वहाँ पे जितने भी रूममेट्स या हॉस्टलर जितने भी हैं या कोचिंग वाले स्टूडेंट्स जितने भी हैं, उनके लिए नॉर्मल है कि वो फोर्थ अटेम्प्ट उनका है, किसी का फिफ्थ है, किसी का थर्ड है, तो और कहते भी यही थे कि फर्स्ट अटेम्प्ट इट्स नॉट ईजी, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगा, क्योंकि हमारे क्योंकि हम लोग जिस जगह से आते थे हमारे बेसिक्स इतने क्लियर नहीं होते थे कि हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकें, तो इसीलिए सब लोग कहते थे, क्योंकि सभी ऑलमोस्ट उसी तरह की सिचुएशन से गुजरे हुए होते हैं, तो उन सबका वो फोबिया होता था कि नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकलेगा। तो धीरे धीरे कोशिश भी की कि कैसे नहीं, लेकिन फिर भी वो पता चला बाद में कि हाँ मुझसे क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मिस्टेक्स 12th में है, क्योंकि 12th हमारा खराब रहा ना, क्योंकि हमने 12th में या फिर पहले कभी सोचा नहीं कि इस स्ट्रीम में आएंगे या फिर कभी प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी, तो ये सब 12th के बाद सोचा, इसलिए ये मतलब थोड़ी लॉन्ग जर्नी हो गई। So, 12th में तुमने 2015 में नहीं दिया जब तुम्हारा फोन था, ठीक है। अब इसके बाद तुमने 2016 वाला पहले अटेम्प्ट में तुम्हारे मार्क्स है 380, उसके लिए कैसे प्रिपरेशन की थी एक साल? मैंने तो मैंने मतलब प्रॉब्लम ये आई ना कि अब हिंदी मीडियम और यूपी बोर्ड हैं, और आपको बुक्स पढ़ाई जा रही है वो इंग्लिश मीडियम वाली, टोटल इंग्लिश एंड समथिंग एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी तो मैंने पढ़ी भी नहीं होगी पहली बार एनसीईआरटी देखी, बायोलॉजी की, वो भी बायोलॉजी की 11th एंड 12th, केमिस्ट्री फिजिक्स कोई एनसीईआरटी नहीं, कोई नहीं चलती, मतलब वो जो लेवल है ना वहाँ पे, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत खराब है, लेकिन बहुत जिस कोचिंग में मैथ ही ओरिएंटेड नहीं था, अब मुझे फील होता है कि वो ओरिएंटेड नहीं था, लेकिन फिर भी जितना मेरा नॉलेज का लेवल था उस टाइम, उसके लिए वो बहुत ऊंचा पढ़ाया जा रहा था जितना मेरा था कि ऑफलाइन कोचिंग हुआ करती थी, और 40,000 एक साल का पूरा, और हॉस्टल्स का भी नॉर्मल मैनेजेबल होता था, 5,000 पर मंथ से, तो हाँ ऐसे पढ़ जाता था, तो प्रिपेयर किया और इतने 380 मार्क्स आए, तो फिर लगा कि और उस टाइम ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 470 ऑलमोस्ट, तो बहुत ज्यादा
बहुत ज्यादा नहीं, ये नहीं था कि 200 मार्क्स हैं कम है या 300 मार्क्स कम है तो आई कांट क्रैक एंड नेगेटिविटीज ऑल. बट मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट और इंग्लिश मीडियम वाली बुक मेरे लिए बड़ी बात थी कि मतलब मैंने यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से. अभी जैसे मैं सोचता हूँ, मैंने कुछ कुछ हिंदी के टर्म में सोचता हूँ, सामाजिक विस्थापन कुछ ऐसा होता है, मतलब विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, तो यू हैव नेवर इवन हर्ड देम. तो वैसे ही हिंदी वालों के लिए इंग्लिश आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड, रिलेट टू इट. मैं स्ट्रगल करती रही, मैंने फर्स्ट ईयर सबसे ज्यादा स्ट्रगल इस चीज में किया कि मैं बायोलॉजी की एनसीईआरटी के वर्ड समझ सकूं जो इंग्लिश में दिए. तो समझ सकते हैं आप कि मैंने इन 5 सालों में किया कैसे है. शुरू के 2 साल मुझे पता है कि मैंने बायोलॉजी में गंवाए हैं क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा था कि एनसीईआरटी को कैसे हैंडल करना है. तो फिर धीरे धीरे फिर मैंने थर्ड ईयर जाके प्रिपरेशन में मैंने केमिस्ट्री एनसीईआरटी को इंक्लूड किया कि मैं इसको भी पढ़ती हूँ क्योंकि एनसीईआरटी भाई बोलते हैं कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं बायोलॉजी एनसीईआरटी पे रह रही हूँ और केमिस्ट्री फिजिक्स कर रही हूँ कोचिंग के मॉड्यूल से. अब पीपल ये कहते हैं कि कैसे मतलब 5 अटेम्प्ट के लिए कैसे अरेंज कर लिया इतना, पहले मतलब घर वाले कैसे सपोर्ट कर दिए बीइंग अ पुअर बैकग्राउंड. तो वही मैं कह रही हूँ कि इतनी हाई फाई फीस नहीं थी, हम रिपीट कर सकते हैं. कानपुर वगैरह में मतलब यहाँ पे ऐसा है कि जो छोटे छोटे टाउन्स हैं वहाँ पे सारे बच्चे रिपीट कर लेते हैं क्योंकि उनकी फीस इतनी हाई फाई नहीं. और जब आप रिपीटर हो जाते हैं तो आपकी फीस हाफ 15,000-20,000 इतने में आप एडमिशन ले रहे, तो बच्चे रिपीट करते रहते हैं. 5 अटेम्प्ट हो जाते हैं, 6 अटेम्प्ट हो जाते हैं, उनके चलते रहते हैं क्योंकि वो पढ़ते रहते हैं उसी हिसाब से पढ़ाते हैं कोचिंग में और करते रहते हैं. तो वो बहुत बड़ी चीज नहीं है कि आप 4 अटेम्प्ट कैसे लेंगे. तो फिर धीरे धीरे मैंने फिर कोचिंग भी चेंज करके देखी कि कोचिंग चेंज की. फिर सेकेंड ईयर मैंने थोड़ा सा मतलब मेरा मतलब पाथ चेंज हुआ, फ्रेंडशिप वगैरह उसमें मेरा टाइम वेस्ट हुआ. 2017 अटेम्प्ट में फिर 466 मेरे मार्क्स आए और एट दैट टाइम कट ऑफ वाज 500 प्लस समथिंग. फिर अगेन मेरे को लगा कि हाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आई कैन, क्योंकि मैं मेरे लिए ये इसलिए आता था कि मैं रिपीट करूँ, मैं कर सकती हूँ क्योंकि मेरी मतलब जो भी सिचुएशंस हैं फैमिली की या फिर कुछ डिफरेंट करने का एक इच्छा थी. तो वो तभी हो सकती थी ना जब मैं कंटिन्यूस इस चीज़ को मतलब वापस ना हटूँ, उसी पे लगी रहूँ, तभी हो सकता है. क्योंकि अगर मैं डिफरेंसेस को कम कर रही हूँ कट ऑफ और मेरे मार्क्स को, तो किसी ना किसी दिन मैं उसको क्रॉस करूँ. तो ये था. फिर मैंने थर्ड अटेम्प्ट लिया और मैंने हार्डवर्क भी काफ़ी किया, लेकिन थोड़ी सी सिली मिस्टेक्स 2018 अटेम्प्ट के लिए और 513 मार्क्स, ऑल इंडिया रैंक 16,891 ऑल इंडिया रैंक थी. और फिर आप लोग सब लोग बोलते हो कि ऐसे कैसे नहीं मिला, तो जो कुछ स्टेट्स हैं ना नॉर्थ के तो उसमें कट ऑफ बहुत आई जाती है. आपको 15,000 के नीचे कॉलेजेस पॉसिबल हैं ओनली व्हेन मॉप अप राउंड. और यूपी का कट ऑफ डेफिनेटली आई जाता है, यूपी दिल्ली. 15,000 में नहीं मिला मुझे, मैंने मॉप अप राउंड तक भी ट्राई किया नहीं मिला. तो फिर मुझे लगा कि ठीक है 16,000 मींस मुझे 15,000 के अंडर लाना है रैंक किसी भी तरीके से. तो तुम्हारा एम था मतलब कि 15,000 से नीचे रैंक लाना किसी भी तरीके से. दिस वाज बैक इन 2017 ओनली टारगेट वाज कि सिलेक्ट होना है, राइट, ओनली इन मेडिकल कॉलेज जाना है. बट सिचुएशन हमेशा ऐसे हो जाती थी कि कभी 30 एंड देन आई एम टेलिंग कि 2018 में 30 मार्क्स ऑलमोस्ट लैग कर रही थी, 30 मार्क्स कट ऑफ से. मुझे बस कट ऑफ क्रॉस करनी थी, कुछ बड़ा नहीं करना था कि मुझे बहुत नथिंग, ना ही मेरे कॉलेजेस डिसाइड थे कि मुझे इस कॉलेज में जाना या फिर उस कॉलेज में. जस्ट सिलेक्ट होना था क्योंकि मेरे फादर की बहुत इच्छा थी कि अब पढ़ा रहे हैं तो सिलेक्ट हो जाओ, वो मेहनत से वो आए हुए पैसे तो वो ऐसे वेस्ट भी नहीं. अब वापस हट जाओ उस पाथ से जिस पे आपने पैसे लगा दिए, तो खराब लगता है ना, वो ऑल टाइम याद रहता है पूरे लाइफ टाइम की मैंने ट्राई, काश मैं और थोड़ा ट्राई कर लेती तो मेरा हो जाता. तो वो रिग्रेट ना रहे इसलिए मैंने ट्राई करा. और 2019 में अगेन मैंने एक थोड़ी और अच्छी कोचिंग वहीं पे ही कानपुर में ही रही मैं. और रीज़न ये था कि मैं मेरा कोटा जाने का मन करता था कि हाँ एलन सुना था बहुत नाम की एलन अच्छा है या फिर एनी अदर इंस्टीट्यूट लाइक आकाश दिल्ली. पर प्रॉब्लम फिर वही आती थी कि 1,25,000 रुपए कहाँ से एक साथ अरेंज करो, फिर हॉस्टल ट्रैवल, फिर हॉस्टल का क्योंकि वहाँ 9,000-8,000 उसके ऊपर ही हॉस्टल मिलते हैं, नीचे नहीं मिलते. वो अफोर्डेबल 2.5-3 लाख का खर्चा आ जाता है. वो अफोर्डेबल भी नहीं था ना, मतलब हम लोग और फैमिली सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है ना सबका कि हम नहीं कर सकते या कर सकते हैं, तो उस टाइम हम नहीं कर सकते थे. दैट्स व्हाई आई वाज रिपीटिंग कंटिन्यूअसली इन कानपुर. अदरवाइज मैं कानपुर एक साल करती, सेकंड ईयर कोटा चली जाती, डेफिनेटली मैं एम्स में नहीं किसी न किसी कॉलेज में सिलेक्ट होकर पढ़ रही हूँ. और दूसरी चीज उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 2016-17 में बहुत अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन कोटा दिल्ली को छोड़ के बहुत सारे
शायद ही कुछ सेंटर्स में थे है ना, और वो कुछ कुछ स्पेसिफिक कोचिंग्स में जिनके फ्रेंचाइजी हैं यहाँ पर, जिनके ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया, वहां पर अवेलेबल थी। ब्रांच भी नहीं था तो वो भी कभी आइडिया नहीं किया। और उसके बाद ऑनलाइन कोचिंग का तो दूर दूर तक कोई वहाँ पर उस वक्त तो कोई कोई वो नहीं था। और जरूरत भी नहीं पड़ती थी ऑनलाइन की, क्योंकि हमारा पेपर भी ऑफलाइन है, सब कुछ ऑफलाइन है। तो ये चलता रहा 2018 में, थोड़ा मतलब ट्राई किया काफी कि हो जाए, और फिर अगेन वही 16,000 रैंक। तो फिर लगा कि हाँ, तीन अटेम्प्ट तो नॉर्मल है, सभी कानपुर में तो सभी मतलब आसपास दे रहे हैं, तो मुझे तो जस्ट एक कॉलेज चाहिए। और कौन पूछ रहा है कि फिर मतलब बाद में ये है ना कि पीछे हट जाओ और फिर कोई और ले लो, BMS ले लो या एनीथिंग एल्स। तो वो एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं एक बार या फिर कुछ गड़बड़ मैंने ही करी है, कुछ कमी मैंने ही रखी, अगर मैं और दे देती तो शायद हो जाता। वो कॉन्फिडेंस था कि मैं कर सकती थी, और ये भी जानती थी मैं कि मुझे प्रॉब्लम क्यों आ रही है, दैट वॉज ओनली UP बोर्ड NME मीडियम। अगर वो भी NCERT बुक्स एंड इंग्लिश मीडियम होता स्टार्टिंग से, तो आई डोंट थिंक कि कोई भी कॉलेज मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। स्टिल मैंने, मुझे पता था कि ये मेरा कहाँ पे कमी है, इस वजह से मैंने कोई ड्रीम्स सेट नहीं किए थे कि मेरे को ये कॉलेज चाहिए, कुछ मेरे को बस कॉलेज चाहिए था, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की MBBS फीस आई कांट अफोर्ड, मतलब आई कुडंट अफोर्ड एट दैट टाइम। धीरे धीरे सिचुएशंस ठीक हुई, कोटा में बात की तो वहाँ पे मतलब ये था कि आपकी, फिर 2019 मतलब मैंने 18 के बाद 19 में मैंने कानपुर में अगेन प्रिपेयर किया, ये सोच के कि दिस इज फाइनल शॉट, नथिंग इसके बाद कुछ नहीं। 2019 हाँ, 19 में मैंने फोर्थ अटेम्प्ट ये सोच के कि अब सच में नहीं देना, चाहे जो हो जाए। और कितने मार्क्स थे उसमें? फिर सर बहुत अच्छे से पढ़ाई करी साल भर, सब सही चला, मार्क्स भी सही आते रहे। LNDLP ज्वाइन किया था एट दैट टाइम मैंने, तो वहाँ पे डिस्टेंस लर्निंग से टेस्ट दे देती थी, तो मैं उसमें अच्छे मार्क्स आते थे कि हाँ अगर इतने नीट में आ गए तो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो फिर पेपर में मतलब नर्वसनेस हो गई, और इतनी ज्यादा नर्वसनेस हो गई कि मतलब मैं पेपर वाले होता है कि आपके 5 साल 6 साल पुराने जो हैं वो आज के 3 घंटे में, वो 3 घंटे में कैसे मैं निकालूं कि, और ये भी टेंशन होती है ना कि घर वालों का भी ये प्रेशर है कि 3 साल हो गए हैं तुम्हारे, और इतने पैसे भी हम लोग के चले गए हैं, टाइम लग गया है, को पढ़ना है, तुम्हें करना ही है 3 घंटों में, तुम चाहे जैसे करो। तो पूरे साल को हम 3 घंटे में कैसे निकालें, उसका प्रेशर अलग। और फिर वो एग्जाम के पहले इतनी नर्वसनेस कि मैं रोई थी 2 घंटे, उसकी वजह से मेरा पेपर 2019 में बिगड़ गया। और मतलब आते हुए क्वेश्चन 14 questions रॉन्ग थे मेरे, मुझे नहीं आता मैंने कितने किए थे, उसमें से ऑलमोस्ट 10 मुझे आ रहे थे जो मैंने रूम पे आके रियलाइज किए। वो चीज मेरी मतलब गड़बड़ हो गई। स्टिल मुझे याद है 592 मैंने ऐड किए थे और रिजल्ट में 561 शो कर रहे थे, 67 शो कर रहे थे। वो एक अलग ही पेन देके गया, क्योंकि देखिए आप कभी कभी हो जाती है बबलिंग मिस्टेक्स और वो पता भी नहीं चलती है, या फिर कुछ गड़बड़ हो जाता है। ऐसा हुआ था सर कि उस टाइम वो जो आंसर की थी वो चेंज हुई थी। हाँ, तो वो फिर मेरे एंड पे भी हुआ था, तो 2 question ऐसे मेरे निकल वो गए थे ना, तो मैंने ऑफिशियल आंसर की जो पहली आई थी उससे मेरे 592 आ रहे थे। तो आई वॉज श्योर एट दैट टाइम कि हाँ ठीक है, सब ठीक हो गया है, अब मिल जाएगा कॉलेज, क्योंकि मैंने पढ़ाई भी बहुत मतलब अच्छे से करी थी। तो अभी तक 380 से ग्रेजुअली इंक्रीज करके भी तुम्हारे मार्क्स हुए 567। फाइन, और रैंक देखिए 513 मार्क्स। 2019 में तो बहुत पीछे चले गए थे रैंक, द कट ऑफ वाज वेरी हाई। तो सर ये शॉक्ड हो रहा था कि आई रिमेंबर दैट कि 2018 में मेरी 16,000 ऑल इंडिया रैंक 891 और 513 मार्क्स, और आप देखेंगे 2019 में 567 मार्क्स हैं और ऑल इंडिया रैंक 17,130। तो मतलब तुम्हारे 50 नंबर बढ़ाने के बाद भी रैंक पीछे चले गए ना, ड्रॉप हो गया फिर तो मतलब वो खत्म हो गया ना सब, वहाँ पे सारे खत्म हो गया, रैंक देखिए सब खत्म हो गया, मार्क्स से नहीं। तो वो बहुत ज्यादा ब्रेक, बहुत हार्ट ब्रेक हुआ उस टाइम की कैसे अब क्या करेंगे। अब कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि मैंने जहां तक है मैंने सब सही से चेक करके कोचिंग फाइनली वो ज्वाइन की थी, अच्छी थी वो भी कोचिंग। तो पर वो है ना कि बिगड़ गया नर्वसनेस में, और उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। स्टिल मेरे फादर बहुत ज्यादा सपोर्टिव, मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव थी, उन्हें पता था कि ये हार्डवर्क कर रही है, लेकिन लैग सिर्फ इस बात में है कि ये यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से रही है, अगर ये इंग्लिश मीडियम से उसे पढ़ाया होता तो ये कर लेती। उन्हें वो ये बात मेरे सामने बोलते थे कि हमें पता है तुम क्यों कम हो, तुम क्यों पीछे रह रही हो, इसलिए वो हमेशा मेरा सपोर्ट करते थे। और इवन द वन मोर थिंग इज कि मैं हमेशा मार्क्स इंक्रीज करती थी, तो उन्हें ये विश्वास था कि ये कर लेगी, ये करती है, ये पढ़ती है, इसलिए उन्हें भरोसा था। तो उन्होंने मेरे पापा ने रिजल्ट वाले दिन मुझे बोला कि जाना चाहोगी अलग, और ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नो अबाउट
दीज टू और थ्री कोचिंग कि कितना अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन दिया जाता है. तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अगर इस पेन को कम करना है, करेक्ट करना है, तो दैट इज लास्ट ऑप्शन. तो तुमने 2019 में यू टुक दिस डिसीजन कि एक बार और प्रिपरेशन, एक बार और, वो भी सिर्फ इसलिए मेरा मन हट गया था. मेरे पापा ने कहा कि तुम्हारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी जो तुमने की है चार सालों में अगर तुमने लास्ट अटेम्प्ट नहीं दिया तो. और मैंने पुट की थी लास्ट के 2018 और 19 अटेम्प्ट में, रियली मैंने बहुत हार्ड वर्क पुट किया था. तो वो चीज मतलब फॉरएवर के लिए चला जाता ना, और वो एक हमेशा बना रहता कि मैं इतने मार्क्स से रह गई थी. और कट ऑफ वाज 572 फॉर ओबीसी, 74 फॉर जनरल इन मोपोप्रॉम. तो मैं मोपोप्रॉम तक गई, 72 पे सीट क्लोज हो गई और 567 मेरे मार्क्स. तो वहां पे भी मतलब पता तो था ही कि नहीं मिलेगा, क्योंकि रैंक से पता चल रहा था कि जब लास्ट ईयर 16,000 में नहीं मिला, इस बार 17,000 में कैसे मिल जाएगा. स्टिल बस ऐसे गए थे, फॉर्मेलिटी की, एंड देन अगेन अगस्त में मैंने ज्वाइन किया एलन. तो उन्होंने मतलब काफी अच्छा किया कि मेरा फीस कम कर दिया, अदरवाइज वो भी मेरे लिए नहीं पहुंच के बाहर था. हाँ, अफोर्डेबल नहीं था मेरे फादर के लिए. तो वहाँ पे उन्होंने 40K में एडमिशन किया लाइक नॉर्मल कोचिंग ऑफ कानपुर. और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, तो वहां पे मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि मुझे पता था कि अब कुछ नहीं हो सकता इसके अलावा. और मेरे पापा बोलते थे कि बीएमएस बीडीएस तुमको नहीं करना, तो उन्होंने मुझे लेने नहीं दिया. मतलब ऑप्शन थे कि बीएमएस कर लो, बीडीएस कर लो, लेकिन वो बोलते थे कि कुछ बड़ा करना है तो फिर अगर तुम्हें मतलब अपने पापा का नाम रोशन करना है तो तुम ये कर सकती हो. और मुझे करना था ये, मैं बोलती थी कि हाँ मुझे नाम रोशन तो करना है. तो वो बोलते थे कि हाँ तो तुम ये करो, बीएमएस को कोई नहीं जानेगा, कोई नहीं इतना बड़ा बोलेगा, लेकिन एमबीबीएस करोगी तो जरूर थोड़ा बहुत हाईलाइटेड हो जाएंगे हम लोग, थोड़ा वो हो जाएगा. तो बस इसलिए फिर शुरू हो गए. और मैंने काफी सारी चीजों को अवॉइड किया उस साल, मैंने चीजों को छोड़ा, एंड्रॉइड सब छोड़ दिया था. और वहां पे मैंने स्टार्ट किया, और हर टेस्ट में मेरे मार्क्स इंक्रीज होते गए, सिल्वर मेडल्स, टेस्ट प्राइज, टेस्ट मनी, वो सब उस हिसाब से मैनेज कर करके इंक्रीज होते गए. बट वही है कि अप्रैल के लॉकडाउन में वो फिर से मैं लॉकडाउन तक उस वक्त तुम्हें हेल्प हुआ लॉकडाउन से, तुमने प्रिपरेशन हेल्प नहीं हुआ सर, वो बहुत खराब फेज था. मेरा पूरा प्रिपरेशन था फॉर मई कि मैं दूंगी. और अब क्योंकि ऑलरेडी फ्रस्ट्रेशन होता है, रिमेंबर दिस, इसलिए हो रहा है जब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट है, आप रिवाइज कर चुके हो, और उसके बाद आपको ये भी नहीं पता कि एग्जाम कब होने वाला है, अभी आप कौन सी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग पढ़ो. 2019 में मैंने इतना अच्छे से पढ़ा था, मेरे को बस ये लग रहा था कि आज ही कोई दूसरा पेपर दे दो मेरे को और आज मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी, बस आज ही दे दो. और मैं वेट कर रही थी जितनी जल्दी एग्जाम हो उतनी जल्दी दिल से ये निकले कि और पढ़ना है. एक पेन सा जो 2019 रिजल्ट का था, शो कुछ और हुआ, रेड कुछ और, वो सब चीजें. तो मैं फिर पेपर का पोस्टपोन होना वो अलग प्रॉब्लम कर रहा था, क्रिएट कर रहा था, क्योंकि अब हॉस्टल में स्टे करना, फर्दर पेमेंट कितने, आप आखिर कब तक, मतलब वैसे भी चार साल तो हो ही चुके थे, और कब तक ये चलना था. तो फिर अगेन मैं वापस आई घर पे, मैंने कोशिश की कंटिन्यू करने की, लेकिन मेरे मार्क्स घटने लग गए और एलन के टेस्ट में मेरे मार्क्स घटने लग गए. मैं समझ गई मेरा गड़बड़ हो जाएगा, इस बार फिर मैं रह जाऊंगी, और इस बार रीजन कोविड होगा. तो फिर एवरी टाइम देयर इज अ वेरी जेन्युइन एक्सक्यूज, कोई ना कोई एक्सक्यूज होता है, लेकिन देयर विल बी 100 एक्सक्यूज एंड वन रीजन, वन रीजन, बट वो वन रीजन आपका अगर स्ट्रांग है तो वन रीजन ये था. मेरा प्रिपरेशन बिगड़ रहा था, मुझे पता था कि इस बार फिर नहीं होगा, अगर मैंने एक गलती कर दी मैं रुकी रही घर पे. तो उस पैंडेमिक के बीच में जब कोई नहीं आ जा रहा था, जब ट्रेन भी बहुत कम चल रही थी, मैंने एक जो भी ट्रेन बची हुई थी उससे मैं वापस कोटा गई, हॉस्टल में अकेले रुकी, और मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी. तो जो भी हॉस्टल के वार्डन थे वो थोड़े सपोर्टिव थे कि हाँ खाना वाना टाइम पे ठीक ठाक मिलता था, बहुत ज्यादा वैसा तो नहीं पर ठीक मिलता था, सपोर्ट किया. और मैं कंटिन्यूस लगी रही पूरे दिन अकेले पूरे हॉस्टल में, वो मैम और सर बस दो लोग, तीन लोग टोटल. तो फिर वो चलते रहे और फिर मेरे इंक्रीज होने लग गए. और लास्ट के 2 मंथ में फिर मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया, और वो जुलाई के बाद में मतलब मैं चली गई थी जब सेकेंड पोस्टपोनमेंट हुआ था कि 13 सेप्ट को एग्जाम है. तो फिर मैं 20 जुलाई को गई, और पूरे अगस्त और 13 सेप्ट तक मैंने प्रिपेयर किया, बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, और फिर जाके मैंने एग्जाम दिया. तो फिर ठीक हुआ, मतलब जितना मैंने ऐड किया था 691 मैंने शुरू से ऐड कर रखा था, फिर आंसर की चेंज नहीं हुई, दैट्स व्हाई मेरे 691 मार्क्स. दैट इज ग्रेट अल्पना टू हियर यू. वन थिंग इफ आई विल से टू माय सब्सक्राइबर्स एंड व्हिच आई एम लर्निंग फ्रॉम यू इज वन, एंड अगर मेरे को एक चीज बस कहनी हो तो है परसीवरेंस, नेवर गिविंग अप एटीट्यूड ऑफ अल्पना.
एंड शी फाइनली अचीव हर गोल, बल्कि मच मोर देन व्हाट हर गोल वाज टू गेट इनटू अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. दैट इज द पॉइंट ना, हैप्पीनेस कैसे, मतलब रिजल्ट के बाद ये एक्सपेक्टेड था कि कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा, एक्सपेक्टेड प्रोबेबली एक्सपेक्टेड दिल्ली कॉलेजेस. लेकिन जब एम्स अलॉट हुआ तो वो अलग ही फील था. फैमिली को भी मतलब पता नहीं होता ना कि आपके विलेजर्स को कि भाई ये तो किसी कॉलेज का नाम सुना ना सुना हो, लेकिन एम्स दिल्ली को हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है. तो वो एक अलग फील दे रही थी कि एम्स में है और एक पहचान बना दी है पूरे एरिया में, जो जितने भी विलेजेस हैं, जो भी इवन टाउन तक, टाउन में भी काफी है कि हाँ कि एम्स में है कोई इधर से. तो वो चीज अच्छी लगी ना. वुड बी वन और टू डॉक्टर्स इन योर विलेज? और मेरे विलेज में कोई भी नहीं है डॉक्टर, इवन नॉट इवन इन एनी स्मॉल और एनी मेडिकल कॉलेज, फ्रॉम कुछ भी नहीं है, किसी भी मेडिकल कॉलेज का कोई नहीं. तो बस पता नहीं क्यों कहाँ से ये सब शुरू हुआ और यहाँ पे आके रुके. इन 5 सालों में जो चेंजेस हुए, 5 साल के पहले जो सीन था, मतलब किसी को कुछ नहीं पता था कि करना क्या है लिटरली. के बाद में मैरिजेस होनी है सिस्टर्स की या कुछ, लेकिन मुझे क्यों प्रिपरेशन करने के लिए भेज दिया और फिर यहाँ तक जर्नी आएगी. ये तो मैंने भी नहीं सोचा था कि जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट देने निकली थी कि मैं यहाँ 5th अटेम्प्ट तक भी आऊँगी. लेकिन वो मेरे फादर का पेशेंस और उनका हार्डवर्क फॉर मी, कि वो मुझे हार्डवर्क करके पैसे भेज रहे हैं, तो वाई नॉट आई शुड डू हार्डवर्क. बस दैट वॉज द स्पार्क इन मी, कि मुझे बस इसलिए ये लगता था कि मेरे पापा कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो फिर मैं नहीं पीछे हट सकती इस काम से. वो कहते हैं कि तुम मैं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम बस पढ़ो. बस उनकी ये बात लगती थी कि हाँ तो फिर पढ़ना ही है और कुछ ऑप्शन नहीं है हमारे पास, और हम इसी से सही कर सकते हैं. सो गाइस, इस सेशन में बस इतना ही, बिकॉज मुझे लगता है कि अल्पना के साथ और सेशंस की जरूरत पड़ेगी. इसकी स्टोरी, इसकी गलतियां, इसकी गलतियों ने इससे कैसे सीखा, और उसके बाद कैसे इन सारी नेगेटिविटीज के दौरान, जो कि आप एक रिपीटर के दौरान यू वुड, मैं हर बार बोलता हूँ कि लेट्स से आई एम नॉट अ रिपीटर, सो आई एम नॉट द बेस्ट वन टू गाइड यू. अल्पना इज अ रिपीटर, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ रिपीटर्स. सो मैं ट्राई करता हूँ जो भी मैं आपको गाइड करूँ, आपको बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूँ. और जैसा अल्पना ने बोला भी कि ये जो प्राइस वाला पॉइंट हो जाता है कि बड़ी बड़ी कोचिंग 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए, फाइन. सो लास्ट ईयर मेरे पास 2 साल से बहुत मैसेजेस आते थे, पहले 2 साल पहले, कि भाई आप हम लोग के लिए कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करिए. सो वी ब्रॉट दिस प्राइस टू बिलो 1000 रुपीज एज ऑफ नाउ, पूरी प्रिपरेशन की. ऑल्दो ऑनलाइन है, ऑफलाइन इज नॉट पॉसिबल, बट 1000 रुपए ऐसा प्राइस है 1000 रुपए से नीचे कि एक बच्चा अफोर्ड कर सकता है, जो चाहे बीएससी के साथ बच्चे अफोर्ड कर रहे हैं, है ना. एंड आई एम वेरी हैप्पी टुडे, इट्स जस्ट अ रिवॉल्यूशन, बिकॉज आज की डेट में आप 10 से ऊपर मैं देखता हूँ कोचिंग्स हैं, एजुकेटर्स जो कि इतने कम प्राइस पे 5000 से नीचे 2000 से 2000 3000 4000 इस प्राइस पॉइंट पे आ गए. दिस इज समथिंग विच इज वेरी कमेंडेबल, एंड That was something what my dream was. It was not ki koi ek course bechne lag jao. It was ki education ko, the democratization of education, ki har ek banda education, affordable education usse honi chahiye, access honi chahiye to quality affordable education, and wo aaj hum log kar paaye. Theek hai dosto, to agle session mein hum log Alpana ki aur story janenge. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट नोट्स मेरे उसमें अवेलेबल है. एम्स के टॉपर्स से इंटरव्यूज मैं ले रहा हूँ, उनके भी जो इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे तो मैं उस पर अपलोड कर दूंगा. विश यू ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट, स्टे ट्यून्ड, हिट लाइक फॉर अल्पना, बिकॉज मैं कह सकता हूँ कि आज अल्पना यहाँ पर है, कल को आप भी मेहनत करोगे तो आप भी किसी अपने ड्रीम कॉलेज में बैठे होगे. सो विश यू ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगले सेशन में अल्पना की गलतियों के साथ, उसने कैसे उसे ओवरकम किया, क्या उसका सबसे बड़ा मोटिवेशन था, सारी चीजों के साथ हम लोग अलग सेशंस करेंगे. आज के लिए बस इतना, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग.